दिल्ली जल संकट पर बीजेपी का हल्ला बोल, बीजेपी का मटका तोड़ प्रदर्शन जारी है। बीजेपी के सभी सांसद वहां पर मौजूद हैं, तो प्रदर्शन में शामिल हैं बीजेपी के सभी सांसद। दिल्ली सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन। केजरीवाल जी हाय हाय, आम आदमी पार्टी की सरकार हाय 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 हाय। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लोकप्रिय सांसद बहन सुश्री बांसुरी स्वराज जी का, जिन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि हम सभी शांत नहीं बैठेंगे जब तक जनता की ये परेशानी खत्म नहीं होगी। बांसुरी स्वराज बीजेपी एमपी सभी तालियां बजा के एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे। Every single day I get called from my constituency. Every single day I have to incessantly put pressure and keep on requesting officials of the Delhi Jal Board to send tanker and send, make sure that water is available to the people. People of Delhi are in a dire need. But what do I say? कहते हैं ना, नियत हो तो नीति भी बदलती है। लेकिन माननीय मंत्री आतिशी जी की और केजरीवाल सरकार की नियत ही नहीं है काम करने की। इन्होंने एक दशक के शासन में 600 करोड़ रुपए के मुनाफे वाले दिल्ली जल बोर्ड को 73,000 करोड़ रुपए के घाटे में लाकर खड़ा कर दिया है। इनकी नियत ही नहीं है काम करने की। मार्च में ही आईएमडी ने बोल दिया था कि भीषण गर्मी होने वाली है दिल्ली में, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं करा। इन्होंने दिल्ली जल बोर्ड के इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई रिपेयर नहीं करी, उसको कोई इम्प्रूवमेंट नहीं करी। आज 40% से ज़्यादा पानी दिल्ली का वेस्ट हो जाता है, या तो वेस्टेज में यानी वाटर वेस्टेज में, या फिर इल्लीगल टैंकर माफिया चुरा कर ले जाता है। दिल्ली सरकार केवल भ्रष्टाचार में लिप्त है और इल्लीगल टैंकर माफिया को प्रोत्साहित करता है। मैं पूछना चाहती हूँ, आपकी जब प्रोसेसिंग फैसिलिटी केवल 990 MGD पानी की है, तो आप किस मुंह से ज़्यादा पानी मांगते रहते हैं? आप केवल दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों पे दोषारोपण करते हैं, या फिर आप हरियाणा पे दोषारोपण करते हैं? अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो गया सर्वोच्च न्यायालय के सामने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष हिमाचल ने कह दिया कि कोई सरप्लस पानी नहीं है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ये बात साबित हो गई कि हरियाणा पर्याप्त पानी छोड़ रहा है। 1,050 क्यूसेक पानी हरियाणा छोड़ रहा है, लेकिन दिल्ली की अगर कैपेसिटी ही 990 MGD है, तो मुझे बताइए दिल्ली सरकार वो ज़्यादा फालतू पानी क्या इल्लीगल टैंकर माफिया के लिए मांग रही है? बांसुरी जी, एक सवाल और है। अभी आतिशी ने दिल्ली के कमिश्नर को भी चिट्ठी लिखी है, बोला है कि जितनी भी बड़ी पाइपलाइन है उसके आसपास पुलिस की सुरक्षा चाहिए, क्योंकि टैंकर माफिया जो है दूसरी तरफ ऑपरेट करता है, ना कि दिल्ली की सड़क में। दिल्ली के टैंकर माफिया के साथ इनकी साठ गांठ है। और मैं पूछना चाहती हूँ माननीय मंत्री आतिशी जी से कि वो जो पाइपलाइन जो हर बार फट जाती है, उसके लिए ये क्या कर रहे हैं? हाल ही में GK में एक बहुत दिल्ली जल बोर्ड के केवल 1.5 किलोमीटर की दूरी पर
एक पानी की पाइपलाइन फटी थी, 5 से 6 दिन तक वहां पर पानी रिस रहा था। आम आदमी पार्टी के जनप्रतिनिधियों ने उसमें बिल्कुल संज्ञान नहीं लिया। हमें फोन कर 8 जून को हमने फोन कर दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों से बार बार निवेदन करा। 9 जून को दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों ने उस पाइपलाइन को फिक्स कर दिया। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ माननीय मंत्री आतिशी जी से, किस मुंह से वो दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों पे दोषारोपण करती हैं? किस मुंह से वो बाकी प्रदेशों पे, हरियाणा पे दोषारोपण करती हैं? खुद उनकी एक निकम्मी सरकार है जो केवल प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार में लिप्त है और कुछ काम नहीं करती। अगर इन्होंने समय रहते दिल्ली जल बोर्ड की पाइपों की मरम्मत कर दी होती, इलीगल टैंकर माफिया पे नियंत्रण कर लिया होता, तो दिल्ली आज बूंद बूंद के लिए तरस नहीं रही होती। नीचे आ जाओ। दिल्ली बीजेपी सांसद बासुरी स्वराज को आप सुन रहे थे। पानी की किल्लत को लेकर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधती हुई बासुरी स्वराज। और ऐसे में देखिए, टैंकर माफियाओं से साठगांठ को लेकर बासुरी स्वराज ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा, आरोप लगाया। और दूसरी तस्वीर देखिए, खाली मटकों को घर में रखने का कोई फायदा नहीं है। खाली मटके आज दिल्ली की जनता को परेशान कर रहे हैं। ये हमने अपना संकेत दिया है कि खाली मटके दिल्ली की जनता नहीं चाहती है, दिल्ली की जनता इनमें पानी चाहती है। और जिस तरह से दिल्ली में पानी को लेकर राजनीति हो रही है, राजनीति करने की बजाय दिल्ली सरकार को एक्शन प्लान बनाकर रोड पर उतरकर अपने अधिकारियों के साथ लीकेज को रोकना चाहिए, एसटीपी प्लांट को पूरी क्षमता से काम करना चाहिए, और बजाय कि वो झूठी राजनीति के अधिकारियों से काम ले और इन मटकों में पानी भरे। और कमलजीत सहरावत बीजेपी सांसद, इन दोनों को आपने सुना। और साथ ही देखिए, भारतीय जनता पार्टी किस तरह से मटका फोड़कर अपना विरोध दर्ज करा रही है आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए। मैं पानी की संकट का अगर कोई जिम्मेदार है तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार है। दिल्ली में पानी का संकट प्राकृतिक नहीं है, दिल्ली में पानी उपलब्ध मात्रा में, हरियाणा पानी जितना मिलना चाहिए दिल्ली को उससे ज्यादा दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये सुप्रीम कोर्ट गए वहां से भी जूते खाकर आए हैं, सबको मालूम है। लेकिन इनकी लापरवाही, इनकी चोरी, ये पानी की बर्बादी, ये मूल कारण है जो दिल्ली पानी के लिए तरस रही है। 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है, 2024 तक हर नल में जल देने का वादा अरविंद केजरीवाल ने किया था, क्या हुआ उस वादे का? वो तो जेल में जाके बैठ गया आराम से, लेकिन दिल्ली को जनता के मरने के लिए छोड़ दिया। दिल्ली में पानी की चोरी जो आम आदमी पार्टी के विधायक करते हैं, दिल्ली में पानी की बर्बादी जो इनका भ्रष्ट प्रशासन करता है, इस पूरी बर्बादी की जिम्मेदार आम आदमी पार्टी है। तो आपने दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को भी सुना। तो देखिए, प्रतिक्रियाएं लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सामने निकल कर आ रही है, जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। वहीं देखिए तस्वीरें, मटका फोड़ने की है तस्वीर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। दिल्ली सरकार को घेरा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि इस तरह की स्थिति हर साल दिल्ली में रहती है और मौजूदा सरकार इस पर कोई ठोस कदम उठाती हुई नजर नहीं आती है। तो दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर अब पूरी तरह से हमलावर भारतीय जनता पार्टी, और अब आक्रोश भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का दिल्ली की सड़कों पर देखा जा रहा है, जहां पर दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए भारतीय जनता पार्टी के सांसद, नेता, कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। और ऐसे में देखिए, हमने सुना बासुरी स्वराज को, कमलजीत सहरावत को, साथ ही दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को, जो पूरी तरह से हमलावर नजर आए, आम आदमी पार्टी को जल संकट पर घेरते हुए नजर आए। इससे पहले हमने आपको बताया कि किस तरह से दिल्ली की जल मंत्री आतिशी की तरफ से बाकायदा एक लेटर लिखा गया है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आम जनता इस वक्त त्राहिमाम कर रही है। हर साल जब इसी तरह की स्थिति होती है तो कोई रोड मैप क्यों नहीं तैयार किया जाता है? दिल्ली में पानी की किल्लत से जूझते हुए जनता को आखिर कब राहत मिलेगी? हालांकि ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जिस पर लगातार सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेते हुए, आदेश तमाम जारी करते हुए नजर आ रहा है इस पूरे मामले पर। अब सुनवाई अगली होगी 8 जुलाई को। ऐसे में लगभग 2 हफ्ते का समय भी दिया गया है
सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अब दिल्ली सरकार का इस पर क्या रुख होता है, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार भी लगाई थी, जिसमें दिल्ली सरकार से कहा गया था कि टैंकर माफिया पर लगाम लगाने के लिए आपने क्या किया। दूसरी तरफ ये भी पूछा गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, पानी की बर्बादी जो होती है उसको रोकने के लिए आपने क्या किया। और अब दिल्ली सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है सियासत करने के अलावा, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि लगातार बाकी राज्यों पर निशाना साधा जा रहा है। हरियाणा को यहाँ पर आड़े हाथ लेती हुई आम आदमी पार्टी, क्योंकि हरियाणा पर निशाना साधती हुई आम आदमी पार्टी पिछले दिनों नजर आई। उत्तर प्रदेश से भी पानी की मांग की गई दिल्ली सरकार की तरफ से, साथ ही हिमाचल प्रदेश से भी पानी की मांग की गई। तो देखिए, इस पूरे मुद्दे पर ना सिर्फ बीजेपी हमलावर है बल्कि कांग्रेस ने भी कड़ा रुख इसमें अख्तियार किया है। आम आदमी पार्टी सरकार को घेरने की कोशिश अब लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, किस तरह से मटके फोड़कर अपना प्रदर्शन दर्ज कराते हुए ये नेता कार्यकर्ता। हमने कमलजीत सहरावत को सुना, उनका ये कहना था कि जब पानी ही नहीं है तो खाली मटके रख के क्या करेंगे, और यही वजह है कि उन्होंने मटका फोड़ो प्रदर्शन किया है। तो दिल्ली को कहां कहां से कितनी पानी सप्लाई होती है ये भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। यमुना नदी, मुरादनगर, 5000 ट्यूबवेल जो है यहां पर, इससे पानी की सप्लाई दिल्ली को होती है, लेकिन दिल्ली की जनता को पानी नहीं मिल पा रहा है, पानी नहीं पहुंच पा रहा है दिल्ली की जनता तक, और यही वजह है कि पानी को लेकर राजधानी की जनता त्राहिमाम कर रही है। हर दिन कुछ इसी तरह से पानी की किल्लत की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं, और इसी को लेकर अब देखिए राजनीति अपने चरम पर। और आज दिल्ली बीजेपी की तरफ से इसको लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है दिल्ली की सड़कों पर, जिसकी तस्वीरें लगातार भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचा रहा है। तो दिल्ली बीजेपी के सातों सांसद अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन करते हुए आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ लगातार नजर आ रहे हैं, निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं, जिनकी प्रतिक्रियाएं भी हमने आप तक पहुंचाई। तो दिल्ली में जल संकट के कारण क्या क्या है ये भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं।